स्मार्टफोन और स्मार्ट सिटी नहीं, लव जिहाद और गौरक्षा नहीं, अफवाहबाज पत्रकारिता नहीं, कहानी उस भारत की जो अब भी करोड़ों दिलों में बसता है। हम हैं असली भारत, हम भी भारत। नमस्कार, खास कार्यक्रम हम भी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपने देखा होगा अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर कल शाम किस तरह से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, उनकी गिरफ्तारी को लेकर पूरा एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ और घंटों तक टेलीविजन स्क्रीन पर इस तरह से ये मुद्दा छाया रहा कि देश में 130 करोड़ लोगों की आबादी में दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था उसी दौरान, ठीक उसी समय, हजारों की तादाद में दलित बहुजन समुदाय के लोग रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये पूरे तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया। यानी कि मीडिया देश का आज ये तय कर रहा है कि आप क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, क्या देखेंगे। लोग सड़कों पर उतरे या नहीं उतरे, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ खबर वो बनेगी, घटनाक्रम वो दिखाया जाएगा जो मीडिया चाहेगा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, लगभग एक हफ्ते के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि देश के कमजोर समुदाय, जिसमें कि दलित आदिवासियों का खास स्थान है, उनको लेकर जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, पूरे तरीके से एक तरफ हैं। कश्मीर को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, दो हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका है और हमें बताया जा रहा है कि यह पूरा एक राष्ट्रवादी मामला है जिसमें राष्ट्र को हम एक तरीके से इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बाकी सारे मुद्दे इंतजार कर सकते हैं। खास बात यह है कि क्यों रामलीला मैदान में हजारों की तादाद में, बताया जा रहा है कि एक एस्टिमेट यह है कि 40-50 हजार लोग दरअसल जमा हुए रामलीला मैदान में। कि क्यों जमा हुए, मुद्दा यह था कि दिल्ली में ही रविदास मंदिर है जिसमें कि मुकदमा चल रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, रविदास बनाम डीडीए का मुद्दा। डीडीए ने यह मुकदमा जीत लिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस मंदिर को तोड़ दिया गया। इस मुद्दे को लेकर दलित समुदाय सड़कों पर उतरा था। हालांकि ये जो मंदिर टूटा था वो 10 तारीख को, 10 अगस्त को टूटा था, लेकिन अब क्यों ये विरोध हुआ ये भी समझने वाली बात है। इसी के साथ दूसरी एक बड़ी खबर सामने आई वो ये कि मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख, उन्होंने ये कहा कि आरक्षण को लेकर बहस होनी चाहिए। आप इन दोनों मुद्दों को समझिए। मैं अपने मेहमानों के जरिए यहाँ पर यह समझने की कोशिश करूँगी कि क्या दलित समुदाय के अंदर एक ये चिंता है, उनके अंदर एक फिक्र है कि उनको लेकर जिस तरह का विमर्श हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक दलित विरोधी विमर्श नज़र आ रहा है। क्या ये भी चिंता एक वजह थी कि रविदास मंदिर को लेकर इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, और क्या राष्ट्रवाद की इस पूरी आंधी में, यह सो कॉल्ड तथाकथित राष्ट्रवाद की इस पूरी आंधी में, क्या बाकी मुद्दे पूरे तरीके से छिप जाएंगे? मेरे साथ वो तीन खास मेहमान मौजूद हैं जो इन मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आम जनता की नब्ज पर भी उनका हाथ है, राष्ट्रीय राजनीति को भी वो किस तरह से, जो कमज़ोर समुदाय हैं उनकी राजनीति के बरक्स किस तरह से देखा जाए वो भी हम समझेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। डॉक्टर कौशल पवार हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टर कांचा अलैया शेफर्ड भी हैं। अभी बहुत हाल ही में शेफर्ड उन्होंने अपने नाम के आगे जो है अपना नाम लगाया है। तो उन तीनों मेहमानों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी राजनीति को आखिर किस तरह से देखा जाए। डॉक्टर रतनलाल, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले जो रविदास मंदिर वाली घटना है उसको मैं समझना चाहती हूँ। 10 तारीख को मंदिर को गिराया जाता है, अब उसके 10 दिन गुजर जाने के बाद पूरा विरोध प्रदर्शन होता है, क्या ये सिर्फ मंदिर को लेकर था? ठीक है, ये मंदिर का टूटना सिर्फ नहीं है, ये बहुजन की कमर तोड़ना है। सरकार जो है और विभिन्न एजेंसीज के थ्रू ये ट्रायल टेस्टिंग कर रही है, बेसिकली आरक्षण का खात्मा की ओर पूरा आपका जो रिप्रेजेंटेशन है जो ख़त्म करना है। एक बात बताइए कि दो बार भारत बंद हुआ 18-19 में, इसी साल 5 मार्च को रोस्टर के इशू पे हुआ, उसके पहले 2 अप्रैल को हुआ था SC ST एक्ट पे हुआ था, दोनों कोर्ट के हवाले से जजमेंट आया उसके खिलाफ भारत बंद हुआ, दोनों बार सरकार को हारनी पड़ी। पिछले 3-4 साल में जंतर मंतर से लेकर रामलीला ग्राउंड में कई हम लोगों ने आंदोलन देखे, मैं शरीक भी रहा हूँ उसमें। आखिर ये सरकार का इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि इतने प्रोटेस्ट विद्रोह होने के बावजूद सरकार इस तरह का अफोर्ड कर रही है कि हम इस तरह के डिसीजन लेंगे? कि जाहिर है ये सरकार जो है ना, ये पूरा एक तरफ तो मिथकीय मानव रामचंद्र जी के नाम पर जो है कोर्ट में रोज हियरिंग हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर सावरकर लग रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष, हमारे धरोहर हैं जो 600-700 साल से वहाँ वो दिया गया था लोधी वंश के टाइम में, उसको सरकार उखाड़ रही है। तो ये हम नहीं मान के चलते हैं कि जुडिशरी कोई सरकार से अलग होती है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। भाई यहाँ जजेज या कैसे अपॉइंटमेंट होता है कौन नहीं जानता है,
कौन नहीं जानता, ये सुप्रीम कोर्ट, मैं तो मुकदमा भी लड़ रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो जजेस कैसे फैसला देते हैं मैं तो जानता हूँ, मैं तो बैठ के हियरिंग सुनता रहता हूँ। ये कैसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सबसे इरेशनल अपॉइंटमेंट जजेस के होते हैं, SC ST एक्ट पे चाहे रोस्टर पे जजेज ने ही फैसला दिया था। क्या कभी किसी जज ने ये पूछा कि भारत का प्रियम्बल लाओ और हम बात करते हैं समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता की बात करते हैं, किसी जज ने कभी सरकार को कभी अकाउंटेबल बनाया? तो ये सारे अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, जो पावर में होती है जजेस के अपॉइंटमेंट भी वो करते हैं। और सरकार का काम ये भी है कि हाँ, वो उसमें दखल दे, अगर माना जो आम सेंटिमेंट है, क्योंकि हमें तो सेंटिमेंट ये शब्द तो पिछले 5 साल में लगातार सुनने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन दिस डेमोक्रेटिक कंट्री, सुप्रीम पार्लियामेंट है, कि सुप्रीम कोर्ट कोई आंसरेबल किसी के प्रति थोड़ी है। कई बार इतना इरेशनल जजमेंट सब आता है, तो ये तो संसद को ना चाहिए, वहाँ जो नेता हैं सांसद बैठे हुए हैं, ये क्या संत रविदास जो कि मानवतावादी हैं, जो बेगमपुरा बनाना चाहते थे कि जहाँ पे कोई गम ना हो और सब लोग समान तरह से रहें, वो ऐतिहासिक पुरुष हैं और उनके धरोहर को, जो कि विश्व धरोहर मान लीजिए उसको, दुनिया भर के तमाम यूरोप इंग्लैंड में जितने उनको मानने वाले लोग हैं हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसको आपने कैसे तोड़वा दिया? तो जाहिर है ये सिर्फ सिम्बोलिज्म है, ट्रायल टेस्टिंग कर रही है। अल्टीमेटली ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये मनु का संविधान लागू करना चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे फेज में कर रहे हैं। कौशल पवार, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि ये जो भीड़ कर निकली, जो हजारों की तादाद में लोग निकले, वो मंदिर तो जाहिर है वजह रही होगी, और खासकर ये बहुत दिलचस्प ये लम्हा है इतिहास में कि एक मंदिर को लेकर जो मुहिम हम देख रहे हैं अयोध्या में, वो भी एक मंदिर है, दिल्ली में भी एक मंदिर है, वहाँ भी आस्था जुड़ी है, यहाँ भी आस्था जुड़ी है, वो आस्था इतने मायने रखती है कि उसके लिए हम पहाड़ चढ़ जाएंगे, लेकिन ये आस्था कोई मायने नहीं है। देखिए, एक बात क्लियर रूप से हमें समझ लेनी चाहिए कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो सिर्फ हिंदू नहीं है, ब्राह्मणवाद है। हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद दोनों को डिफाइन करने की ज़रूरत है। अगर ये हिंदू धर्म होता तो एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में एक मंदिर बनाने के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी आंखों के सामने, नाक के नीचे सरकार के ये सब कुछ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट आखिर है क्या? कौन डिसीजन दे रहा है? कोई तो सुप्रीम कोर्ट में गया होगा। इतने सालों से जब ये पेंडिंग था, क्यों नहीं गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी तक बातचीत करके इसको हल क्यों नहीं किया? जब से मेरे ख्याल से जगजीवन राम जी ने पूर्ण जीर्णोद्धार किया था इसका, उसके बाद से पेंडिंग चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी क्या वजह हुई कि सुप्रीम कोर्ट एकदम डिसीजन देती है और उसको डिमोलिश कर लिया जाता है? बेसिकली इसको डिफाइन करने की हमें आज ज़रूरत है कि एक तरफ एक ऐसी आस्था है जहाँ हर तबका, चाहे वो दलित हो चाहे बहुजन हो, इवन दलित और बहुजन भी साथ मिलकर चलता है मंदिर निर्माण में, बाकायदा उसके लिए बंद किया जाता है बहुत कुछ। इतनी सारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, हमारे सेंटलमेंट जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी उन धार्मिक भावनाओं में भी किस तरीके से जातिवाद गहरा हुआ है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। आप देखिए, कल की एक प्रोटेस्ट में जो बिल्कुल एक जन सैलाब था, आपने रिपोर्ट किया, मुझे जो जानकारी है वो 1 लाख लोगों की है, 50,000 से भी ज्यादा, 1 लाख लोग सड़कों पर थे कल। और आप देखिए, कर्नाटक, विशाखापट्टनम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पूरे देश से लोग आए हुए, पूरे देश से, सिर्फ और न सिर्फ देश से बल्कि रिप्रेजेंटेशन था इंटरनेशनल डिस्पोरा का, इंडियन जो यहाँ के जो लोग हैं, जो बाहर हैं, रविदासिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो हमारे दलित बहुजन लोग हैं, वो लोग भी, बहुत सारे लोग बाकायदा आए हुए थे इस प्रोटेस्ट। तो यानी आपको ये, क्या ये वजह बता रही है आपके इतना लंबा वक्त इसलिए लगा, 10 दिन से भी ज्यादा समय का, क्योंकि मैनेज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप देखिए ना, हमें अपनी ताकत दिखाने की तो जरूरत है ही, और ये सरकार में बैठे हुए लोग और ये ब्राह्मणवादी सोच के लोग, सिर्फ सरकारी नहीं इसमें शामिल बल्कि ब्राह्मणवादी वो लोग, आप देखिए ना, मंदिर गिराया जाता है, आपने एक विद SC ST OBC के अलावा किसी भी हिंदू, कट्टर हिंदू जिसको आप मान रहे हो, जहां आप हिंदू खतरे में बोलते हो, जहां राष्ट्रवाद की दुहाई जब आप देते हो, कोई भी हिंदू किसी का बयान आया कि इसको क्यों तोड़ा गया, जबकि वो भी तो हिंदू ही है। संत रैदास हमारे जो पुरखे रहे हैं, जो जिन्होंने इतना, मतलब बिना गम का ऐसा जहां बनाने की जिन्होंने कल्पना की थी, और जिन्होंने एक एक पूरे, मतलब एक एक डिस्कोर्स को खड़ा कर दिया था सबके बीच में, ब्राह्मणवाद का आमना सामना किया था, बिल्कुल कट्टर, मतलब एक आप कह रही हैं कि हिंदुत्व की राजनीति में दलित बहुजनों का स्थान नहीं है। नहीं है, अगर होता तो कल की इतनी संख्या में मुझे एक भी आदमी बता दीजिए तो अदर देन SC ST OBC रहा होगा, एक भी नहीं है, किसी का कोई बयान नहीं।
कहाँ गई वो सारे के सारे लोग ऐसे जो अपने आप को जब जब उनको जरूरत पड़ती है तो दलितों के बीच में जाके ये कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। अगर हिंदू धर्म खतरे में है तो यहाँ धर्म को खतरा तो है ही। आप एक धर्म आप ऊंच कास्ट का धर्म मान रहे हैं, दूसरा धर्म आपके सामने, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे का धर्म है। उनके लिए संत रैदास, कबीर, हमारी पूरी की पूरी संतों की परंपरा, हमारे नाथों की परंपरा, सिद्धों की परंपरा, लोकायत चरवाक की परंपरा, हमारी एक पूरी की पूरी परंपरा थी जो आश्रम व्यवस्था का विरोध करती थी, जो श्रमण जाति की परंपरा थी, उस सबको आप खत्म कर रहे हैं। अब ये एक सिंबॉलिक रूप में था प्रोफेसर रतनलाल जी ने जो कहा, मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। टेस्टिंग है, देखना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आया अभी तक कि कब तक टेस्टिंग करते रहेंगे। 2 अप्रैल का बहुत अच्छी तरह से देखा इन्होंने पूरा किस तरीके से भारत हुआ। रोहित विमुला की जगह डेथ हुई थी, कैसे पूरा का पूरा दलित बहुजन सड़कों पे था और रोस्टर के मुद्दे पे कैसे था। और अब ये कल का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट था एक तरह से कि पूरा का पूरा विश्व भी यहाँ रविदास के। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ दोनों मेहमान बैठे हुए बता रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में, न सिर्फ कि कौशल कह रही हैं कि राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिप्रेजेंटेशन वहाँ था, 1 लाख लोग ये कह रही हैं कि वहाँ मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से ब्लैकआउट हुआ है ये भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो ये मीडिया है बिल्कुल हमारी राजनीति के ही मॉडल पर चल रहा है कि राजनीति ये तय करेगी कि किन किन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, किन किन मुद्दों को जो है वो नेशनल सेंटिमेंट बताया जाएगा। यानी भी आप सोचें कि राष्ट्रीय क्या होता है आखिर, राष्ट्रीय भावना क्या होती है, क्या दलित बहुजन समुदाय राष्ट्रीय नहीं है, क्या उनकी भावनाएं राष्ट्रीय नहीं है। प्रोफेसर कांचा इलैया ये बताएं कि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, वायर में ही अभी आपने एक आर्टिकल भी लिखा कि क्या जो अगला कदम होने जा रहा है अभी आर्टिकल 370 हटाने के बाद, क्या रिजर्वेशन को हटाया जाएगा, क्या कौशल जो कह रही हैं कि 1 लाख लोग, कितने भी मान लेते हैं, कुछ हज़ार भी मान लेते हैं अगर जमा भी हुए एक साथ, क्या उनकी इस फिक्र में, उनकी इस चिंता में ये चिंता भी शामिल थी कि मंदिर भी हमारा तोड़ा गया और हो सकता है हमसे आरक्षण भी ले लिया जाए। मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे कि जब आरएसएस के यानी कि उनके चीफ, उनके मुखिया जब किसी बात को कहते हैं, बीजेपी उसको एंडोर्स नहीं करती है तो फिर इसमें फिक्र की क्या बात है। देखिए वो मेन मुद्दा ये है आज देश में, जो दलित और बैकवर्ड क्लास, जो पिछली जातियां जो है, उन लोगों का पूरा इश्यूज को लेके ये पूरा लोग एक एंटी नेशनल के तरह बताने का एक कोशिश हो रहा है। नाउ टेक फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशंस। व्हाई इज इट दैट the RSS sarsanchalak now is taking up the question of reservations for discussion? Kyun le raha hai? Now there is a long standing view among not only RSS, BJP, Brahminic intellectuals, even the so-called secular, even the communists, they were thinking that reservation is not good. It is anti-merit. And reservations implementation में वही philosophy की वो अमल करते गए। Now there is a concrete proposal from the RSS that, in my view, Mohan Bhagwat is suggesting that the next law perhaps would be abrogation of reservations law. Now the question is whether Narendra Modi, who became the Prime Minister both the terms, 2014 as OBC candidate, and in 2019, उन्हें openly बोला है कि मैं MBC भी हूँ, lower OBC हूँ, whether this Prime Minister will stand by the reservation policy or will go by the RSS general BJP ideology. Now this all depends on the future, depends the question of future of reservations. देखिए अब्राहम लिंकन एक वाइट आदमी था, उन्हें ब्लैक राइट्स को लेके अपना जिंदगी को सैक्रिफाइस किया। And at that time, in fact, there was no black movement as such, except Frederick Douglass and Sujarno Truth, who were doing the black rights campaign
कोई ज्यादा मूवमेंट भी नहीं था, बट एक व्हाइट मैन टुक अप द राइट्स ऑफ ब्लैक्स। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ओबीसी का करके ज्यादा वोट से ज्यादा सीट से सत्ता में आए, जिस बार लेस ओबीसी कैंडिडेट्स पार्लियामेंट में आए। अब मोहन भगवत साहब से रिजर्वेशन का ऊपर चर्चा करने का एक प्रपोजल आ गया है। उसका मानी क्या होता है? उसका मानी ये होता है, एक के बाद एक, as I said yesterday in my article, that पहले they started, see, what is patriotism? Patriotism, जो लोग खेती करते हैं, जो लोग क्रॉप को कुछ ऊपर लाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, कैटल को ग्रेज करते हैं, जो लोग पॉट्स बनाते हैं, जो लोग शू बनाते हैं, जो लोग विलेज इकोनॉमी बनाते हैं, वो सेंट्रल पैट्रियार्क्स होता है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम में इन लोगों को एंटी पैट्रियार्क, एंटी नेशनल दिखाया जा रहा है, रिजर्वेशन अमल करना एंटी नेशनल है, रिजर्वेशन लेना अमल एंटी नेशनल है। प्रोफेसर कांचेले, वापस लौटती हूँ आपकी तरफ। एक बड़ा मुद्दा इन्होंने उठा दिया है कि क्या अब जो भी चीज़ है वो एक बाइनरी बन गई है कि कोई चीज़ राष्ट्रवादी है या राष्ट्र के ख़िलाफ़ है, नेशनलिस्ट लोग हैं या एंटी नेशनल हैं। मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा और समझना चाहती हूँ कि कैसे, अब तक तो ये समझ में आया था कि भाई ये तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, ये बाहरी और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका मुद्दा है, लेकिन दलितों के मुद्दे को कैसे एंटी नेशनल बताएंगे, कैसे रिजर्वेशन एंटी नेशनल कैसे बनेगा? देखिए, द फीलिंग ऑफ द कास्ट कम्स बिफोर, जनरली कम्स बिफोर द नेशन, रीजन, लैंग्वेज। और जो नेशनलिज्म जब जब ज़्यादा तेज हो तो समझिए कि इंटरनल क्राइसिस चल रहा है। आप एक बात बताइए, 21st सेंचुरी में अगर इंडिया अपना डिफेंस का बजट नहीं बढ़ाए तो क्या ये पॉसिबल है कि अमेरिका, पाकिस्तान या चाइना अमेरिका को फिजिकली ऑक्यूपाई कर लेगा? पॉसिबल है? तो नहीं है ये पॉसिबल। फिर भी ये राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीट रहे हैं, इसलिए कि ये पूरा फेल हो चुके हैं हर जगह, हर चीज़ पर। आप छोड़िए ना, रिजर्वेशन छोड़ दीजिए, मैं तो मान के चलता हूँ कि बीजेपी सरकार बहुत ईमानदार सरकार है, उनको रिजर्वेशन ख़त्म करना है तो तैयारी उनकी उचल रही है। वो इतना इनके नेता ने सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि हम ऐसी स्थिति में ले जाएंगे जहाँ पे इरिलेवेंट हो जाएगा रिजर्वेशन, सो दे आर डूइंग दैट। यानी आधिकारिक घोषणा की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, संविधान से हटाने की जरूरत नहीं है। संस्था आप देखिए ना, मीडिया का क्या हाल है, जुडिशरी है क्या हाल है, इलेक्शन कमीशन है क्या हाल है, स्टैटिस्टिकल जो सर्वे है वो कमीशन है उसका क्या हाल है। बिना कोई घोषणा के ये पूरे इंस्टीट्यूशन को ये तबाह कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये एक ट्रेजेडी का युग है कि ओबीसी के नाम पे प्रधानमंत्री बनता है, दलित के नाम पे राष्ट्रपति है, और इसके रूट्स वर्णाश्रम धर्म में है। वर्णाश्रम धर्म में कहते हैं कि अगर शूद्र राजा बन जाए तो उसका प्योरिफिकेशन सेरेमनी करो, उसको जनऊ क्षत्रिय पहनाओ, जनऊ पहनाओ। और इनके लिए गोल्डन एज क्या है कि वो राजा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करें, तो ये इरेलेवेंट करेंगे। लेकिन देखिए, यानी कि ब्राह्मणवाद की रक्षा ओबीसी प्राइम मिनिस्टर और दलित राष्ट्रपति कर रहे हैं। ये तो धर्मशास्त्रों से आ रहा है ट्रेडिशन, ये धर्मशास्त्रों से ट्रेडिशन आ रहा है, तो उसी की रक्षा हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और बाकी 131 सांसद और बैकवर्ड सांसद वहां पे मेज थपथपा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं उनके पक्ष में। देखिए, ये तो आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे, इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो उसी तरीके से है कि जैसे आप रेत में कबूतर अपनी सर छुपा लिया, सोचे बिल्ली नहीं खाएगी, ये तो होना है, ये ईमानदार है इस मामले में। लेकिन इसमें जहाँ तक ये एक उम्मीद की किरण है, और मैं भूपेश बघेल साहब को बधाई देना चाहूँगा कि इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, और छत्तीसगढ़ में 72% रिजर्वेशन, जब इन्होंने गैर संवैधानिक जनऊ आरक्षण लागू कर दिया, सवर्ण पहली बार जाति के नाम पर आरक्षण आया 10%, तो उन्होंने 72% किया है। अभी 25 तारीख को हम लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, कि इनका कार्ड तो यही होगा कि भाई प्रतिनिधित्व का सवाल उठेगा, दलित पिछड़ा आदिवासी के प्रतिनिधित्व का सवाल उठाएंगे, और इनका कार्ड यही, यही सवाल अगर तेजस्वी, मायावती या अखिलेश इसको गंभीरता से तीनों मिल के उठाए कि हम प्रतिनिधित्व की बात करेंगे सब सेक्टर में, तो इन्होंने जो गलत तरीके से दलित बैकवर्ड को वोट लेने के लिए हिंदुआइज बना रहे हैं, या आप हिंदू हो कांवड़ में चलो, लेकिन जब अधिकार देना होता है तो डंडे मारते हैं। तो चूंकि हमारे बहुत सारे लीडर्स फेल हो गए हैं, उनको वैकल्पिक विचारधारा को उन्होंने ग्रास रूट तक पहुंचाया नहीं है, ज़्यादातर लोग मानने वाले हैं, इसलिए उनको रोज़ घंटी बजा बजा के उनको हिंदू बनाया जा रहा, खुशी से लोग बन भी रहे हैं। तो इसमें हमारे नेताओं, हमारे उनकी फेलियर एक तरह से रही थी कि जिस तरह से पोलिटिकल ट्रेनिंग करने की ज़रूरत थी मासेज को, वो पोलिटिकल ट्रेनिंग उन्होंने नहीं किया। लेकिन लगातार
लोगों का लाखों की संख्या में सड़क पर उतरना ये मजाक बात, हर साल दो बार तीन बार हर साल हो रहा है। तो मैं निराशावादी नहीं हूँ, क्योंकि जितना ये क्राइसिस बढ़ेगा, और मुझे लगता है 21वीं सदी है, मीडिया अपना काम करे, आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपना काम चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक उन लोगों को एक मुद्दा मुस्लिम से है, मगर दलित से क्या मुद्दा है? दलित तो अब से नहीं है ना देश में, जो हड़प्पा पहले सिटी बनाया था उससे पहले विलेजेस बनाए थे, जब ब्रिक बनाए थे, जब से लेके अब तक दलित ए देश का द्रविड़ समाज है, ओबीसी दलित समाज है, शूद्र लोग दलित समाज है, वेदर वो नॉर्थ हो वो द्रविड़ समाज है, ये पूरा समाज को एक एंटी नेशनल बनाना और उसका राइट्स पूरा खत्म करना, ये डेमोक्रेसी अब इट इज वॉकिंग ऑन द हेड। जब कार्ल मार्क्स बोला था दैट व्हेन यू मेक द हिस्ट्री वॉक ऑन इट्स हेड देन हिस्ट्री लुक्स अपसाइड डाउन, वही हो रहा। अब उसके बाद राम टेम्पल का तो कैसा ही आगा, वो मुस्लिम का इशू है, मगर मैं कल जो वायर का आर्टिकल में बोला, हमारे पास दलितों में बैकवर्ड क्लासेस में इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, हमारा राइट्स पूरा लेके गए तो भी, रिजर्वेशन नहीं दिए तो भी, और इंग्लिश मीडियम हमको अलाउ नहीं करे तो भी, दुनिया में कोई बात नहीं करेगा। मुसलमानों को थोड़ा है, वर्ल्ड वाइड मुस्लिम पॉपुलेशन है, इट इज अ रिलीजन इशू, इवन नाउ ट्रंप इज सेइंग इट इज अ रिलीजन इशू, बट व्हाट विल बी आवर पोजीशन, व्हाट विल बी शूद्रास, द शूद्रा रीजनल पार्टीज पूरा खत्म किया गया। जब कांग्रेस था वो कांग्रेस को खत्म करके रीजनल पार्टीज आए, शूद्र लोग चीफ मिनिस्टर्स बनाए, वेदर मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, शरद पवार, और हरियाणा का, यूपी का पूरा वो लोग, अब पावर छोड़ के जाना पड़ा, और ओबीसी का नाम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आके या बैठा, अब उन्हें एक बात भी नहीं बोल रहे, नहीं रिजर्वेशन को कोई नहीं खत्म करेगा, हम है बोल के प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे, इसका मानी कहती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसकी काट क्या है, जो एक झूठा तथाकथित जो राष्ट्रवाद है, जो खास लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे देश में जो है उसके सेंटिमेंट बता दिया जाता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। 2019 का चुनाव हमने देखा, उससे पहले 2014 का देखा कि वो पार्टियाँ भी फेल हो रही हैं जो सिर्फ उस खास जाति की राजनीति कर रही थी, वो भी वोट नहीं मिल रहा है। बिना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अगर हम साइड में रखेंगे तो हम कैसे राष्ट्रीय डिस्कोर्स के बारे में, कि जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी जो समाज जो लाखों की संख्या में आ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ जब तक सड़क पे नहीं आएंगी तब तक ये घटना चल रही है। बीजेपी को कॉन्फिडेंस आ रहा है वो ईवीएम से ही आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता मतलब भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हो चुका है काफ़ी हद तक। एक तरफ बहुत डिप्रेस्ड किया जा रहा है पूरी आम जनता को, ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए पिछली बार जब आरक्षण को ख़त्म करने की मुहिम थी वो किसके माध्यम से, रोस्टर के माध्यम से थी, 13 पॉइंट के माध्यम से, जहां आम आदमी नहीं समझ सकता, आम आदमी को समझने में टाइम लगता है। बेसिकली वो कहते हैं ना कि टेस्टिंग, अभी रतनलाल जी ने भी बोला और हम लोग बार बार इसको कह रहे हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको परिणाम अपने अनुकूल नहीं नज़र आ रहा। आप ये देखिए लाखों की संख्या में दिल्ली जैसी जगह पे देश की राजधानी में इकट्ठा होना अपने आप में एक बड़ी बात, और बार बार लोग इकट्ठा और बार बार लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप काट की जो बात कर रही थी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि काट इनकी बहुत ज़बरदस्त है जनता के पास, और जनता के पास हथियार है, गुमराह होती है ज़रूर, वो रास्ता भी बदल लेती है, भटक भी जाती है, कोशिश करते हैं ये लोग। अभी हमारे लोग सारे के सारे कावड़ लेने भी गए हुए थे। आप ये देखिए सुखद वाली ये बात ये भी तो है ना कि अगर वो कावड़ लेने में गए थे, लगे हुए थे, तो कल वहाँ जंतर मंतर रामलीला मैदान में भी थे। मतलब अधिकारों के प्रति एक तरफ जागरूकता भी, अच्छी है। बात आपने कही है कि दोनों तरफ चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है, कितना खींच पा रहा है, मैं वही कहना चाह रही थी सिर्फ। और देखिए ना आप, कल एक नारा एक बड़ा बहुत लार्ज स्केल पे वहाँ पे समझ आया, जो दलितों के अंदर जो फ्रिक्शन करने की कोशिश की जाती है, उनको बांटने की कोशिश की जाती है, बड़ा इंटरेस्टिंग नारा लगा मुझे, बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, गली गली से आई आवाज, जय वाल्मीकि जय रविदास। मतलब जो बार बार जो एक आस्था के नाम पे ये जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
ये मानते हैं कि वाल्मीकि हुआ, धोबी हुआ, नाई हुआ, ये जातियाँ, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आप हैरानी की बात देखिए ना कि आप जब भी कोई भी दलित हमारे जैसा प्रोफेसर रतनलाल जी जैसे या प्रोफेसर कांचालिया जैसे जो लोग जब आरक्षण की बात अब कर रहे हैं, सौहार्द पूर्ण आरक्षण के ऊपर चर्चा की बहस आरएसएस प्रमुख ने की है, हम लोगों ने एकदम मतलब प्रस्तुत हुए हैं हम लोग सारे के सारे कि ठीक है सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग भी तैयार हैं, बशर्ते कि आप अपने इन करिंदों को जो छोड़े हुए हैं वो जो बिल्कुल गाली गलोच की भाषा पे जो उतर रहे हैं उनको भी सौहार्द। बहुत अच्छी बात है कि एक बार बहस हो जाए इस पे, क्योंकि बहस के लिए जो है वो हो जा रहा है, एक बार बहस हो जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि इनको ये लगता है कि आप इस नाम पे कि सबसे एकदम इनके सामने एक ही मुद्दा है, सारी अपर कास्ट का एक ही मुद्दा है अब आरक्षण का, कि उनको तो मिला नहीं जिनको मिलना चाहिए, मतलब सबसे बड़े हमदर्द ये उभर रहे हैं उनके। हैरानी की बात है कि ये कहते हैं कि वाल्मीकियों को तो आरक्षण नहीं मिला, उनका लाभ दूसरी ऐसी जातियों को नहीं मिला, दो तीन जातियों को मिला, जाट और चमार ये जातियाँ हैं इनको मिला, इसके अलावा और कहाँ है, कहाँ मिल रहा है? आरक्षण के ऊपर तो बहस हो जानी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। चलिए कि आप इतने हमदर्द कहाँ से पैदा हो, ये हमदर्दी भी देखी जाएगी। वो हमदर्दी तब कहाँ चली जाती है जब शिविर में लोग मारे जाते हैं। आपने चंद्रयान तो भेज दिया, आप कम से कम मशीन भी मंगवा लीजिए ना, लाखों करोड़ों रुपए ये अभियान पे आप खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल स्वच्छता अभियान के नाम पे हर रोज दिल्ली में ही मर रहे हैं, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं, खबर भी नहीं मिलती, नहीं बस है हाँ। लेकिन देना नहीं चाहते, बिल्कुल। आखिरी बात 10 सेकंड दस सेकंड में ये है कि आप डिबेट किस चीज पे करेंगे, आंकड़ा है, पहले सरकार पहले सोशियो इकोनॉमिक सर्वे तो कराए, किसके पास क्या है तब तो डिबेट होगा, कि इनके माथे में मोहन भागवत के माथे के जनेऊ से थोड़ी डिबेट होगा। बहुत अच्छी बात है, और शायद इसी नोट पे मैं कार्यक्रम समाप्त भी करना चाहती हूँ। जी 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 डॉक्टर, एक बार बोलूं, सी व्हाट दे विल डू इज वेरी सिंपल, द शूद्र इश्यूज, ओबीसी इश्यूज, शेड्यूल कास्ट इश्यूज, ट्राइब इश्यूज, दे इंटरनली से ये सेक्शनल इश्यूज है, ये नेशनल नहीं है। और हमारा सेक्युलर कम्युनिस्ट और आरएसएस का लोग, सब लोग लास्ट 30 ईयर से मैं देख रहा हूं, जब दलित का इश्यू आया, ओबीसी का इश्यू आया, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बुरा है, क्या क्लास पॉलिटिक्स आइडेंटिटी नहीं है? हुम आर यू आइडेंटिफाइंग देयर? माइनॉरिटी का इश्यू आइडेंटिटी नहीं है? यही अब लेफ्ट लोग भी उसमें घुसे हुए हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करना। इवन पूर आर ऑर्गेनाइजिंग, अलिस आर ऑर्गेनाइजिंग फॉर आस्किंग फॉर रिजर्वेशन, यू आस्क फॉर इकोनॉमिक रिजर्वेशन, क्यों? उन्होंने क्लास रिजर्वेशन बहुत अच्छा है, एवरीबॉडी वाज एक्सेप्टिंग द मीडिया, सुबह से लेके कितना कह रहा है मुझे आप चर्चा पे आना, इस पे मैं बोला जी, आपके पास चर्चा पे आके क्या करना है, क्या करना है, आप उधर ही करेगा पूरा चर्चा, आप सी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का क्या तरीका है कश्मीर में मालूम हो गया। बिल्कुल डॉक्टर लैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मेरे पास समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ जो तीनों बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं वो इस बहस के लिए तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि हम गंभीरता से लें उनकी सिंसियरिटी को, हम चैलेंज नहीं करना चाहते कि मोहन भागवत आएं और ये बोलें कि आखिर वो दलित समुदाय या जो भी व्यक्ति संविधान में विश्वास रखता है और इस बात में विश्वास रखता है कि जब तक जाति ख़त्म नहीं होगी तब तक जाति पर आधारित रिजर्वेशन कैसे ख़त्म होगा। एक बार शायद वो इस बात की घोषणा कर दें कि आज के बाद से अब कोई जाति नहीं है, जो संविधान ने घोषणा कर दी है। अगर आरएसएस भी इस बात की घोषणा कर दे तो हम इस बात की भी घोषणा यहाँ पर तीनों बुद्धिजीवी समर्थन कर रहे हैं करने के लिए तैयार। आप टाइटल हटा दीजिए जी हाँ। तो इस बहस के लिए भी हम तैयार हैं, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।